बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रदेश का माहौल खराब करने के लिए आ रहे हैं। वे जनता को भड़काने आ रहे हैं। कांग्रेस इवेंट मैनेजमेंट पार्टी है और किसानों को भड़काने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश व प्रदेश के किसानों के लिए कई लोक कल्याण योजनाएं चलाई हैं, जिसके बाद किसान मालामाल होंगे। किसानों को मनमर्जी के रेट मिलेगा। सरकार की किसान हितैषी योजनाओं को लेकर वे किसानों के बीच जाएंगे और 14 लाख किसानों से प्रधानमंत्री के नाम धन्यवाद पत्र लिखवाएंगे। धनखड़ द्वारा ये बातें भिवानी में प्रेस वार्ता के दौरान कही गई। उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट को कांग्रेस ने 6 वर्ष तक रखा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आते ही स्वामीनाथन की रिपोर्ट को काफी हद तक लागू कर दिया। आगे उन्होंने कहा कि किसानों के खेतों में 6000 रुपए देने का काम भी नरेंद्र मोदी ने ही किया है। कांग्रेस ने किसानों को एक अठन्नी तक नहीं दी। धनखड़ ने कहा कि 12,500 रुपए करोड़ की किसानों से खरीदी थी। सुनते हैं कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने आगे और क्या कुछ कहा। ये तो सरकार ने निर्णय लेना है, ये किसी चीज की स्थिति क्या रहने वाली है। लेकिन मेरा ये जो कहना है, भाई फिर खींचिए एक में, मेरा ये जरूर कहना है कि माहौल बिगाड़ने के लिए आने की किसी को जरूरत नहीं है। हरियाणा एक शांति प्रिय प्रदेश है, यहाँ आराम से खरीद चल रही है। सब मंडियों में एक एक दाना खरीदा जा रहा है। बाजरे की भी खरीद शुरू हो गई है, धान की चल रही है। झूठ की राजनीति को हरियाणा पसंद नहीं करता है। इसलिए अगर आपके पास कुछ यहाँ देने को है, जैसे मैंने कहा भी एक आध फसल के मिल्या और दामड़े कोई ना कोई वो आए तो, लेकिन केवल आप झूठ के आधार पर माहौल बिगाड़ने आए तो हरियाणा की जनता उसका स्वागत नहीं करती। ऐसे कुछ लोग तो हर कोई पार्टी खड़ी कर देती। ये मैंने कहा नौटंकी पार्टी है, 5-4 ऐसे नौटंकी बाद कहीं भी खड़े करते, उससे क्या फर्क पड़ता है। ये तो भारतीय जनता पार्टी देश में राज कर रही है, प्रदेश में राज करती है। जे इनका क्या मैं प्यों होता तो ये बैठे नहीं पाते। इनको तो तार तार के जनता ने नीचे बैठाया हुआ है, विपक्ष में बैठाया हुआ है। और इसी प्रकार की और ये इस तरह की एरोगेंसी में रहे तो जनता इनको और नीचे पहुंचा देगी। देखिए, हम तो सदा से किसान की डायरेक्ट मार्केटिंग के पक्ष में रहे हैं। आपको पता है मैं तो यहाँ जब ये मेरे पर दायित्व था तो मैं हमेशा इस बात को कहता था कि बोले किसान को बेचना सीख ले और बाजार को पहचान ले। जब वो अपने माल को खुद बेचता है तो अपने दाम खुद लगाता है, ट्रैक्टर ट्रॉली में ले जाके बेचता है। वो जो है कहीं अपने खेत के बाहर बेचता है तो 4 पैसे अच्छे कमाता है। जो नहीं कर सकते वो मंडी जाएं, उनके लिए मंडी है। जो कर सकते हैं वो अपना डायरेक्ट बेचें। तो ये रास्ता तो हमेशा ही खुला रहना चाहिए। तो इतना अच्छा था। देखिए, पंजाब में तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार का वातावरण बनाया है वो वातावरण केवल झूठ पे बनाया है। झूठ चलाई कि मंडी बंद हो जाएगी, MSP नहीं रहेगा। अभी अब मंडी चल रही है और MSP पे खरीद हो रही है तो अब कैसे मुंह बचाएं? तो नहीं, झूठ बोलनी शुरू कर दी, ओढ़े ओढ़े खत्म करेंगे। भाई तुम तो कहीं चले जाओगे क्या? तुम भी यही हो, हम भी नहीं है। 4 साल तो हमारी सरकार है, अभी 8 फसल तो हम डट के खरीदेंगे। तुम आ जाए तो तुम अपनी बता देना, हम तो रहेंगे तब तक खरीदेंगे। सर नहीं करता। झूठ फैलाकर राजनीति करने वाले लोग हैं। वो जमाना चला गया। ये पहले भी ऐसे थे, पहले भी कह दिया करते भाखड़ा डैम से पानी निकाल लिया, पानी में से बिजली निकाल ली और वो बिजली से जो है ताकतवर नहीं रहा, पानी लासी जैसा हो गया, फसल ऐसी नहीं आ रही, छोरों के चेहरों पर रौनक नहीं है। इनके कारण होते हैं। ऐसी झूठ की राजनीति सदा से करते रहे। देश विदेश के तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।